इंजीनियर है तो सब काम तो कर ही देंगे, गाना भी गाने के शायरी की बात शादी हम लोग डांस सीखे तो शादी तो ये नहीं सोचना कि अब हम लोग उसमें ही लगे, वो कोई पार्ट नहीं है भैया। मैंने तो 4 साल आईटी में, एनआईटी में पढ़े हैं, तो जानते हो 4 साल ऐसा होता है ना कि आप कुछ ना कुछ हॉबी में नहीं रहोगे तो आप जी नहीं पाओगे। जीना तो मस्ती है वहां पे, बहुत अच्छी है मस्ती, दुनिया भर है, लेकिन क्या है कि वहां पर अब डेवलप कर जाएगा। गाना क्या है कि जब आप टेंशन में रहते हो तो अंदर से एक वॉइस आता है जो कि खुशी करता है। शेर व शायरी क्या है, अंदर से निकलता है एक फील होता है, अच्छा फील होता है, बस समझने को चाहिए, ताकि वो फील चाहिए, करना तो कुछ और मुझे। वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों के क्योंकि पंछियों को उड़ना सिखाया, पंछियों यार तुम लोग को उड़ना नहीं सिखाएगा, तुम लोग उड़ जाओगे, सोचना नहीं कुछ भी, ठीक है। बस आंटी आज के बाद हम लोग जिस तरह से हम लोग यहाँ पे आए हैं, जिस लिए आए हैं, WBW आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, विश्वास नहीं हो। मैं लास्ट 8 ईयर से रिग्रेसली पटना में पढ़ा रहा हूँ और मैं बिहार के बच्चों को देख रहा हूँ। मैं यहाँ नहीं पढ़ाया, मैं दिल्ली पढ़ाया, गुड़गांव पढ़ाया, मेरठ पढ़ाया, बोकारो में 4 साल पढ़ाया मैं, अभी तो बोकारो में मैंने एक अच्छे लेवल पढ़ाया, अच्छा ग्रेड दिया मैंने, हमने भी दिया को सिस्टम दिया, पर बच्चा था यार हम लोग को औकात ही नहीं मिलेगा। मैं रियली बता रहा हूँ, अगर ऐसा औकात होता तो हमसे प्रथम सारा बच्चा आईटी नहीं जाता, ऐसा नहीं है, तो बच्चा होता है, लेकिन बच्चा को हम लोग शार्प बनाते हैं। कैसे भाई, गार्जियन होता है, गार्जियन अगर उनको देखने बदमाश लेगा तो भी बदमाश बनोगे, मैक्सिमम वही होगा। अगर गार्जियन बदमाश है तो घर का बच्चा बदमाश होगा, सीख तो वहीं से आते, गाली तो वहीं सीखा, तो बोला तो वहीं सीखा जी, सीखा। अब हम लोग क्या है, टीचर्स हैं, टीचर आपको समझा रहे कि भाई आपको पढ़ना है, आईटी जाना है, 24 घंटा में आपको 18 घंटा दिमाग में नहीं चल रहा, क्या सोचोगे। और आईटी अंदर तो एक चीज बता रहा हूँ, सिंपल सी बात, तुम बोलते हो अर्निंग होनी, पैसा से परे बात होता है। अगर एक बार आईटी से चले गए, अब एक चीज बताओ मुझे कि अगर कोई मान लो पशु को पालता है, गाय को पालता है, तो गोबर उसका कैसा होगा, कौन पाटते हैं इसको, गोबर उसका वेस्टेज है, बाई प्रोडक्ट कहते हैं इसको, एजुकेशन का बाई प्रोडक्ट पैसा है, समझे, एजुकेशन का बाई प्रोडक्ट क्या है, वेस्टेज है वो, बाकी तुमको इज्जत नहीं होगा, वो कहां से लाओगे, इज्जत कहां से लाओगे, इसलिए मुझे इज्जत एजुकेशन से ही आता है, बता दें इस बात को। और वो अर्न किया जा रहा है, किसी से छीना नहीं जाता है, कोई तुमको इज्जत उसी टाइम करेगा जब तुम एजुकेटेड होगे, अपने बात को रखोगे। राजा जो होता है, राजा मनवाने से बनता है, पैदा से ही बनता होता है। यहां से तुम लोग को करियर का नया वाहन करना है, राजा ना, और टीचर जो है सपोर्ट करना है, इन सारे टीचर को सपोर्ट करना है, दिमाग नहीं लगाना है कहां पे क्या चल रहा नहीं। आज के बाद से ये एनर्जी हम लोग देखो प्रोडक्ट टीचर्स भी मनाना इट्स अ गुड वन, एक एनर्जी आता है, पॉजिटिवनेस आया। अब इस पॉजिटिव से ऐसा नहीं कि नहीं बना, मनाना है, क्यों मनाना है, एक अच्छे माहौल पे बनाए, अच्छे हेल्दी माहौल पे, ईगो को किनारे रखना है, ईगो को किनारे, जब तक आप एजुकेशन में हो पढ़ लो, ईगो किनारे, जितने छोटे लोग उनका ईगो ज्यादा, मार दो रिक्शा वाला को, गाली दे दो रिक्शा वाले को, पलट के 20 गाली दे दो, हमको चोर भी ना अच्छे एजुकेटेड वाले घर में चोरी करने से डरता है, बदमाश भी एक अच्छा एजुकेटेड आदमी आएगा ना उसको रिस्पेक्ट देगा, इंजीनियर है, चोर इंजीनियर को नहीं, ऐसा आईटीएल को।
है, रिस्पेक्ट अर्न किया जाता है, और वो अर्निंग होता है एजुकेशन से। एजुकेशन का बड़ा काम यहाँ स्टार्ट हो चुका है। PW ने बहुत बड़ा काम किया था, बहुत बड़ा काम, तुम सोच ही सकते हो। जानते हो हमें अपने कुछ दिन पहले नतीजा बदलने पर एडमिशन कराए थे कई ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे लग गया था 30 लाख मुझे देना हुआ था। आज PW ने ये काम करके दिखा दिया कि 2 ईयर के बच्चे को सिंपल आप 1 लाख से अंदर में पढ़ाया जा रहा, अच्छा एजुकेशन दिया जा रहा। तो भाई आप पढ़ाने में प्रॉब्लम कहाँ है? बिहार का बच्चा नो डाउट यार पढ़ने में तेज तो होता है, इसमें तो मत मेहनत ये आप हम देखे इतना दिनों में मेहनत ही होता है। अच्छा देखो क्या होता है, मैंने एक बार बताया था ना आपको, बहुत पुराने लोग ना दो काम कहते थे, या तो अपने बच्चा को शहर में बसाओ नहीं तो पढ़ाओ। बड़ा मतलब गांव में ये कहावत था, क्या बोला बहुत बड़ा बात बोल दिया, या तो पढ़ाओ या तो शहर में बसाओ, दोनों क्या चीज है? दोनों आप बताया जा रहा है कैसे आप सिविलाइज बनेंगे। और मैंने ये बात कहा भी था कि अगर मान लो कि अगर तुम एक अखाड़ा में पहलवानी कर देती हो और तुम हार भी जाते हो जहां पे, लेकिन तुम इतना मजबूत जरूर हो गए कि तुम एक आम आदमी को पटक सकते हो। तो बिहारी बच्चा इंजीनियर मेडिकल में कैसा है, गवर्नमेंट में क्यों ज्यादा इतना है, क्या रीजन है? कोई रीजन समझ में आया? एक रीजन है क्या है कि लगभग बच्चा बिहार का जानता है कि मेरे पास यहाँ ऑप्शन है, मैं अपने कॉलेज के बता रहा हूँ कुछ कुछ कहानी, जानता है कि यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो पढ़ना है, ठीक है वो एवरेज है, 10 से पहले एवरेज है, आया तो सर लग रहा है पटना के अंदर आके मैं देखता हूँ उस जगह आके खूब मेहनत किया, खूब मेहनत किया, जिसको होना है सिलेक्शन हो गया, अब इसको नहीं होना है तो मैं फिर देखा। अभी जानते हो क्या है, तुमको विश्वास मैंने बताया था, एक मैं जीबी मॉल पहचान ले रहे हैं नाम बताओ सर आपके बैच में पढ़े थे ये नाम बताया, एक तो बच्चा का नाम बताया कि आईटी में, बच्चा इधर उधर है, बोले तुम्हारा क्या हुआ? तो सर मेरा आईटी नहीं हुआ। क्या कर रहे? बोला कि सर मैं आईबी में हूँ, इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया में, ये बोला। तो हम बोले यार कैसे हुआ? बोले सर एक चीज बताएं, आप याद कीजिए एक बात बोले थे आप ऐसा सवाल, तो सर मेरा वहां तो सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया कि BHU चला गया, अपना काम नहीं बताया नहीं गए तो BHU चला गया, BHU से तुमने क्या किया BSc किया, सुनना बात, ये ऑप्शन है ये मतलब कि उसको आपको कैच करना है, ये भी एक तरीका है जीना है भाई, लाइफ यहां एंड नहीं है। तो उसने क्या किया कि बोला कि सर मैंने BHU चला गया, मैंने BHU से BSc किया, सिलेक्शन BHU में टेस्ट होता है ना, BHU मतलब IIT BHU नहीं, यूनिवर्सिटी BHU, IIT BHU तो अलग है ना। तो वहां गया, वहां बोला कि मैंने सर BSc किया, BSc के बाद मास्टर डिग्री किया, और मास्टर डिग्री के बाद करंट ईयर में मेरा सिलेक्शन हो गया कॉमर्स में, कोई बड़ा कॉमर्स में मास्टर्स के बाद। तो कैसे सेलेक्ट हुआ भाई? पहले पढ़ा था, किस्मत का मतलब क्या होता है, किस्मत किसको कहते हैं? किस्मत मतलब होता है बेटा पास में किया हुआ मेहनत, दैट इज किस्मत। तुम में गए कॉलेज में कोई क्वेश्चन नहीं गया तुमसे एग्जाम में, तो रिजल्ट किस्मत में आ गया, किस्मत थोड़ी ना है तुम्हारा, तुमने क्या किया उस क्वेश्चन को पहले बना रखा था तब वहां दिखा, तो तुम्हारे पास किस्मत, किस्मत बेसिकली पास्ट का मेहनत होता है। तो बोला सर हमने मेहनत किया था इस वजह से मेरा पास सिलेक्शन हो गया। तो भाई मेहनत जो होता है ना, मैंने बोला ना कि ये मेहनत वेस्टेज नहीं है, ये तुम जो काम कर रहे हो बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम, ये तुमको रिजल्ट देगा 110%, लेकिन करना क्या लगना है लोग अच्छे से, टीचर कैसे पढ़ाने से नहीं होगा, टीचर के बहुत पढ़ाने से नहीं होगा, टीचर स्टूडेंट के बहुत पढ़ाने से लक्ष्य होगा, और हम लोग का म्यूचुअल काम होना चाहिए, म्यूचुअल। जैसे कि डाउट है तो डाउट है, मैं बोला कि क्लास के बाद हम लोग बैठते हैं भाई उसको एक्सेप्ट करना है, हाँ किसी दिन टीचर बोलते हैं नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम बैठते हैं खत्म करना है, जिस मकसद से आए हैं हम लोग यहाँ पे वो फील होना चाहिए इंपॉर्टेंट है, वो फील होना हम लोग को भी अच्छा फील होता। मैंने क्या बोला, मैंने बोला भी था कि तो ऐसा कि दुनिया के सारा लोग जेलस होते हैं,
बगल में अगर तुम्हारा शर्मा जी घर है, जिसे वर्मा जी घर है, शर्मा जी का बच्चा अगर इंजीनियर चल गया, वर्मा जी का बच्चा कुछ भी अगर हो गया, बोले कहें गया, सब जलन करेगा। लेकिन टीचर एक ऐसा कौम है, जात है, जो कि सोचता है कि मेरा बच्चा हमसे अच्छा हो, इसके अलावा कोई नहीं सोचता है। Yes, sir.